एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ बेस लाइन टेस्ट 2022 क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सबसे पहले दिया गया है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट इज हंग अबाउ द मेंटल पीस, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर्स, मदर्स, फादर्स। आंसर आएगा इसका ग्रैंड फादर। माई ग्रैंड मदर हैड ऑलवेज बीन डैश फैट स्लाइटली बेंट टॉल थिन शॉर्ट या बिग। तो लेसन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका आंसर आएगा आपका शॉर्ट। माई ग्रैंड मदर कैरिड डैश विद हर फॉर विलेज डॉग चपातीस, द वे वॉकर वॉज डैश मीटर लॉन्ग। ऑप्शन है 13, 23, 33, 43। तो इसका आंसर आएगा 23। वॉट इज द एज ऑफ डॉटर सुजाने, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर। आंसर आएगा इसका 7 ईयर। जोनाथन था वो 6 ईयर का था। लैरी विजिल वॉज ऑस्ट्रेलियन, कनाडियन, अमेरिकन, इंडियन। इसका आंसर आएगा अमेरिकन। किंग टर्ट वॉज डैश वैन ही डाइड, ओल्ड, इन्फेंट, पेशेंस, टीनेजर। किंग टर्ट चेंज हिज नेम टू, आपका आ जाएगा टन टन खामून। टर्ट कॉफिन वॉज मेड ऑफ गोल्ड आएगा। वु डोजी वॉज अ डैश पेंटर, इसका आएगा आपका चाइनीज। यांग रिप्रेजेंट द रिवर्स, माउंटेन, प्लेन्स, डिच। इसका आंसर आ जाएगा रिवर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, द रॉक गार्डन इज एट डैश पटना, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख। इसका आंसर आएगा आपका चंडीगढ़। द बिग गर्ल अ फोटोग्राफ इज डैश ईयर ओल्ड, 10 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर, 16 ईयर। इसका आंसर आपका आ जाएगा 12 ईयर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बर्ड कम्स ऑफ लेबरनम टॉप, पैरोट, पिकॉक, स्पैरो, गोल्ड फिंच। इसका आंसर आएगा आपका गोल्ड फिंच। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सैड द डैश रेन विंड सैंड सन, तो इसका आंसर होगा रैन। आराम एंड मुराद व डैश बॉय रिच ब्रिटिश ट्राइबल रॉबर्स, तो ट्राइबल्स। गैरो गैलेनियन फैमिली वॉज फेमस फॉर रॉबरी बिजनेस ऑनेस्टी फाइटिंग, इसका आंसर होगा आपका ऑनेस्टी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एड्रेस, तो इसका आंसर आएगा नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। उसके बाद रंगा हैड गोन टू डैश टू स्टडी, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता। इसका आंसर होगा बैंगलोर। डैश वर्ड्स रंगा, रजनी, दिव्या, रानी, रत्ना। इसका आंसर होगा आपका रत्ना। फिर आपका कंपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, इन द एप्लीकेशन द वर्ड टू इज फॉलोड बाय द पंक्चुएशन मार्क एक्सक्लेमेशन सेमी कोलन कॉमा फुल स्टॉप, तो इसका आंसर टू को बाद आपको फॉलो किया जाता है कॉमा। होल लेटर इज इन डैश इन डेंट इन वन कॉलम फॉर्मेट, लेफ्ट, राइट, सेंटर या फ्री, तो इसका आंसर होगा फ्री। द समरी शुड बी डैश ऑफ द गिवन टैक्स, इसका आंसर होगा 1/3। इन द नोट मेकिंग द लॉन्ग वर्ड आर रिप्लेस बाय एब्रीविएशन शॉर्ट वर्ड, अनोटिस बियर द नेम ऑफ डैश एट द टॉप ऑफ बॉटम, इंस्टीट्यूशन, एप्लीकेंट, ऑर्थराइज पर्सन, HOD। तो इसमें आ जाएगा ऑर्थराइज पर्सन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मेट इज नॉट टेकन अ बॉक्स यूजली, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, लेटर, तो इसका आंसर होगा लेटर। वी हैड प्लीज अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन विच फॉर्मेट सेंट द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, रिपोर्ट, एप्लीकेशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, तो इसका आंसर होगा एडवर्टाइजमेंट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्मेट द मेंबर्स ऑफ पैनल आर एड्रेस एट द बिगिनिंग, एप्लीकेशन, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, स्पेस, तो इसका आंसर होगा एप्लीकेशन। वी इम्प्रूव अवर रीडिंग कंपेरिजन बाय लेटर अनसीन पैसेज ऐसे डिटर्मिनर्स, तो इसका आंसर होगा अनसीन पैसेज। पोस्टर एंड एडवर्टीजमेंट आर डैश कंपोजिशन, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, एंडलेस, इसका आ जाएगा आपका शॉर्ट।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका ग्रामर सेक्शन से दिया गया है। अवर हैबिटेट आर एक्सप्रेस इन डैश फॉर्म ऑफ द टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल टेंस में होता है आपका। इज एम आर द ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड इन डैश टेंस, प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है आपका। आई रीड नॉवल्स, आई रीड नॉवल्स ही होगा सिंपल पास्ट का, क्योंकि रीड का आपका तीनों फॉर्म रीड, रेड और रेड होता है आपका, तो यहाँ पर रेड की स्पेलिंग भी आपकी यही होती है। ही सेंट मी अ गिफ्ट, अ गिफ्ट वॉज सेंट बाय हिम टू मी आ जाएगा इसका आंसर। सी गेव अ रीज़न वॉज गिवन बाय हर। इट हैज़ बीन डैश सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन दिया रेन, रेनिंग, रेंड, आंसर होगा रेनिंग। दे के साथ आप लगेगा वेल आ जाएगा। वी डैश टू गो पब्लिक प्लेस, यहाँ पर सुड आएगा, सुड आ जाएगा यहाँ पर। ही हैज़ गॉट डैश नॉलेज इन हिज माइंड, तो इसमें आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन है तो मच आ जाएगा। बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिडंट गेट डैश लेटर फ्रॉम हर एनी या मैनी, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा एनी, क्योंकि नेगेटिव वर्ड यहाँ पर आया गया है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, इसमें सो दैट लगाना है तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। ही इज़ सो वीक, ही इज़ सो वीक, ये पहले आ गया आपका, उसके बाद आपको दैट कनेक्टर यूज़ करना है, दैट उसके बाद आपका ही कैन नॉट, ही कैन नॉट टू वॉक, इस तरह से इसका आंसर आपका रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ इट रेन्स ही वॉन्ट टू कम, तो यहाँ पर अनलेस लगाना है, अनलेस इट रेन्स, अनलेस इट रेन्स ही, उसके बाद आपका आ जाएगा वॉन्ट्स कम। ये रहेगा आपका आंसर। फिर आपको दिया गया है क्वेश्चन, अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पर इफ लगाना है, इफ यू वर्क हार्ड, यू वर्क, इफ यू वर्क हार्ड, उसके बाद आपका आ जाएगा यू विल फेल दिया, यू वॉन्ट आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका फेल लगेगा, इस तरह से आपका आंसर रहेगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू और टू का यूज़ करना है द मैथ, यहाँ पर दिया द मैथ इज टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट, यहाँ पर दैट की जगह टू, टू के बाद आपका लगेगा आई सॉल्व इट, इस तरह से इसका आंसर रहेगा। फिर बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट डैश योर टू सिस्टर, यहाँ पर अमंग या बिटवीन, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट डैश बिटवीन योर टू सिस्टर्स, यहाँ पर लगेगा आपका वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, तो यहाँ पर एज सून एज We reach the station, we reach the station, the train left. ये रहेगा इसका आंसर। फिर आपका लगाना है as long as लगाना है, तो यहाँ पर इसको करना है he is a doctor as well as a singer, इसका आंसर हो जाएगा। I went to the market, मैं बाज़ार गई, all shop were closed, तो यहाँ पर I went to the market, यहाँ पर आपको बर्ड लगाना है, all shop were closed, इस तरह से आपको 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको पूरे 50 क्वेश्चन से यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं, इस क्वेश्चन इज़ अ वन मार्क्स, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।